मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली एक युवती ने अपहरण कर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि उसके साथ युवक ने कई बार दुष्कर्म किया। युवती की माने तो युवक उसके घर में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घुस आया था। आरोपी ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने घर पर नहीं थी, उसने अपने आप को दिल्ली में पाया। आरोपों की माने तो कई दिन बाद वह दिल्ली से अपने घर पहुंची, फिर उसने आप बीती अपने परिजनों को बताई। वहीं युवती ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि पुलिस ने उसे डरा धमका कर गलत बयान लिखवा लिए हैं, उसे जबरन लिखवाया गया है कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत दी है जिसमें उसने बताया है कि घटना 8 व 9 अक्टूबर की रात की है। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी संजय उसके घर में घुस गया। आरोपी संजय वंशकार को उसने पहचान लिया था। संजय वंशकार ने उसे हाथों से पकड़ लिया और नाक में कुछ सुंघा दिया था, जिसके बाद वह बेहोश हो गई थी। जब उसकी आंखें खुली तो वह दिल्ली में थी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। युवती ने बताया कि उसके माता पिता ने उसकी खोज के लिए पुलिस को शिकायत दी थी। जब पुलिस ने आरोपी के चाचा के लड़के सोनू वंशकार को पकड़ा तो सोनू एवं उसके परिवार वालों ने बताया कि वह दिल्ली में है। बाद में आरोपी के पिता संजय उसे घर के बाहर छोड़ गए। उस समय उसकी हालत बहुत गंभीर थी और वह पैदल भी नहीं चल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से वह अपने घर तक पहुंची, जिसके बाद उसने अपनी सारी घटना अपनी माँ तथा परिजनों को बताई। फिर चंदेरा थाना में पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद चंदेरा थाना प्रभारी एवं एक महिला कांस्टेबल ने उसे धमकाया और वह कहने लगे कि जैसा वह लिखवा रही है वैसा ही लिखो, वरना तुम्हारे माता पिता को जेल में बंद करवा देंगे। उसने पुलिस के भय के कारण कह दिया कि वह अपनी इच्छा से गई थी, स्वयं की इच्छा से वापस आई है, जिसके चलते अब पुलिस ने पीड़िता अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। चंद्रया से। क्या नाम है आपका पूरा? नेहा वंशकार। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है कि मैं घर रहती पेशाब करने गई तो एक लड़का मतलब संजय लड़का मेरे को किडनैप करके ले गया। संजय कौन बरादी है? वंशकार है। कहाँ से ले गया? घर से ले गया। चंदेरा से। कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया। फिर उसके बाद दो दिन बाद मुझे होश आया तो उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है और मेरे साथ रेप भी किया है। क्या किया है? मतलब रेप किया है, बलात्कार किया है। हाँ। तो आप कहाँ शिकायत करने आई है? टीकमगढ़। पुलिस अधीक्षक। हाँ। कहाँ गई है? बोलो पुलिस। पुलिस वाले। फिर क्या बोला साहब ने? साहब ने बोला ठीक है आपकी सुनाई हो जाएगी। क्या चाहती हैं आप? ये चाहते हैं कि उन्हें सजा मिले। आज तो मेरे साथ हुआ है, कल के साथ और कोई लड़की के साथ हो गया। फिर चंदेरा पुलिस ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। धमकी दी थी क्या कि मारेंगे थप्पड़ लगाएंगे ऐसा बोलो। कौन बोल रहा था? पुलिस वाली बोल रही थी। नाम जानती है क्या आप? नहीं। कौन जानता है आप में ऐसा कुछ? नाम नहीं जानता कोई? नहीं। किसने धमकी दी है? लेडीज पुलिस थी। हैं? लेडीज पुलिस। हाँ, लेडीज पुलिस थी। अच्छा, ठीक है। क्या भाई आप? हम आदरणीय, हम यहीं से आए हैं टीकमगढ़ से। एक्चुअली नारायण वर्मा नाम है और हम इस बात को लेकर के आए हैं कि हमारी वंशकार समाज की जो बच्ची है नेहा वंशकार, निवासी चंदेरा की है, इसके साथ आज 10 तारीख को चंदेरा की ही एक लड़का द्वारा इसको अगवा करके दिल्ली भगा ले गए थे। तो 7-8 दिन वो वहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। लड़की ने जो बताया है हमें, दुष्कर्म करता रहा। दुष्कर्म करने के बाद में उसकी वो जैसे भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से वो वहाँ से यहाँ पर आई है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा आज दिनांक तक उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और ना ही उन लड़कों को जिन्होंने इसके साथ कार्रवाई की, जिसके इसके साथ दुष्कर्म किया है, उसके साथ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, ना उनको पकड़ा गया आज तक। कहाँ की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? चंदेरा थाने की वाली में। मैंने कहाँ लेके आएंगे? इसके बाद आज एसपी साहब के पास आए थे तो एसपी साहब ने इस बच्ची को बुलाया, इसकी बात सुनी
और सुनने के बाद उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया कि तत्काल उनके ऊपर उन लड़कों के ऊपर मुकदमा दायर किया जाए और उनको पकड़ा जाए अभी शाम तक। ऐसा आदरणीय मान लो SP साहब ने, हाँ मैं उनकी कार्रवाई संतुष्ट हूँ क्योंकि भरोसा तो उन्हीं पे है और वो निश्चित है कि इस बच्ची को न्याय दिलाने में पूर्ण सहमति देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.